आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर देवरिया के बरहज विधानसभा के स्टार प्रचारक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। बरहज भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच पर जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। रक्षा मंत्री ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार गुंडों की सरकार है। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिराया। वही चौथे चरण के चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम और मंत्री भी शामिल थे, जहां पर भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की गई। भारतीय जनता पार्टी जनता के अपार जन समर्थन के साथ उत्तरोत्तर शानदार विजय पथ पर अग्रसर है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों में उनके आचरण में, उनकी भाषा में, उनकी शैली में निरंतर हताशा, निराशा, विक्षिप्तता यानी खिसियाहट और बौखलाहट दिखाई दी। जांच एजेंसियां हैं,